नमस्कार, हम पिंटू सिंह यादव आप सभी के स्वागत करते हैं भोजपुरी दिन छी। दोस्तों, बिहार में चुनाव रहा सब और बिहार के चुनाव में दू गो भोजपुरी के सुपरस्टार लोग भी खड़ा रहा सब। और आप लोग जानल चाहते हैं कि दो लोगों की स्थिति का बाटे और दू लोग जो बाटे उमा से केव विधायक बन पावल है कि ना बन पावल है, और केव जब विधायक बनल है तो कितना वोट से बनल है, और जब विधायक ना बनल है कितना वोट से हारल है और उनके कितना वोट मिलल है। काहे कि भाई भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जा रहे। सुपरस्टार मतलब का होला, मतलब ये होला कि भोजपुरी में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध बढ़े और भोजपुरी के हर युवा के लोग, हर बुजुर्ग के लोग, हर मेहरारू मरद उनकर नाम जानत है। तभी उस सुपरस्टार के नाम जन बाटे उपाधि पौले बढ़े और उनकर नाम सुपरस्टार के तौर पर आता। उदान दो नाम जौन बाटे उ नाम में पहला विनय बिहारी के लेके। जी हाँ, विनय बिहारी भोजपुरी के टॉप राइटर, बहुत बढ़िया गाना लिखले बढ़े और काफ़ी ज़्यादा पुराना जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा फेमस रह। वही अगर हम दूसरा नाम की बात करें तो वो नाम बाटे राकेश मिश्रा के। और राकेश मिश्रा के भली भांति युवा जनरेशन जानत हुई, कहें कि राकेश मिश्रा भी अपन अलग अलग एक एक प्रकार के गाना से भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा तहलका मचावत रहलन और अपना फिल्म, अपना गाना के लेके लोगों के बीच हमेशा सुर्खियाँ बटोरत रहन। तो इन दोनों जना का सीट का हाल बाटे, कितना सीट मिलल बा, कितना विधायक बनल बन जा, लिखन जा बनल, कितना वोट मिलल बा, कौन पार्टी से हारल बन जा, जीतल बन जा, ये सारा हम चर्चा करे वाला बानी। तो पहला अगर हम बात करें तो पहला नाम जो लेब हम उ लेब आपके विनय बिहारी के लेके। जी हाँ, विनय बिहारी जो बाटे लौरिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ और उ जन पार्टी रहा उनकर भारतीय जनता पार्टी, और पहले विधायक भी रहा और शायद वो कला संस्कृति मंत्री भी रहा। तो विनय बिहारी के जो वोट मिलल बाटे वो 77,927 वोट मिलल बाटे भारतीय जनता पार्टी के लौरिया विधानसभा से। बिहार चुनाव में जो लड़ रहे हैं विनय बिहारी उनका 77,927 वोट मिलल बा। और वे अगर हम बात करें तो शंभु तिवारी जो बाड़े वो चुनाव लड़ रहे हैं उनका अपोजिट में, उनका के 48,923 वोट मिलल बा। मतलब ई भइल कि भारतीय जनता पार्टी से भोजपुरी के मशहूर राइटर, मशहूर कलाकार जौन बाड़े उ चुनाव जीत गए बाड़े और फिर से विधायक बन गए बाल। अगर हम मार्जिन का बात करें तो लगभग 29,000 वोट से चुनाव की जीत गए बाड़े। तो बहुत बड़ी खुशखबरी बा भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर और भोजपुरी के लोग खातिर कि भोजपुरी के भाषा के, भोजपुरी के बढ़ावा दे वाला भोजपुरी कलाकार विधानसभा चुनाव में जाके गरजे वाला बार। आप सभी के पता बा कि निरहुआ से लेकर आनंद मोहन से लेके अक्षरा सिंह तक जौन बाड़े उनका प्रचार खातिर गए रही जा, ये बहुत बड़ी खुशखबरी बा। अगर हम दूसरा सीट की बात करें तो बक्सर के शाहपुर विधानसभा सीट बाटे। शाहपुर विधानसभा से पप्पू यादव का पार्टी जन अधिकार पार्टी यानी कि जाप पार्टी से कैची छाप वाला चुनाव से राकेश मिश्रा विधायक के चुनाव लड़ रहा है। अगर हम उनकर बात करें तो उनकर जौन बाटे वहाँ पर आरजेडी जीत गए बाटे, वो हार गए बाड़े। आरजेडी जौन बाड़े उनका 64,993 वोट मिलल बा, 64,393 वोट मिलल बा। और मुन्नी देवी जो खड़ा रही जदयू के उनकर 31,355 वोट मिलल बा। मतलब ई भइल कि अब जौन बाटे राहुल तिवारी वहाँ से आरजेडी के जीत गए बाड़े और सेकेंड जौन पार्टी मतलब सेकेंड लड़ाई जो कर रहा था जनता दल यूनाइटेड के जो कि मुन्नी देवी रही उनके 21,355 वोट मिलल है। वही अगर हम बात करी राकेश मिश्रा के तो राकेश मिश्रा भोजपुरी के सुपरस्टार कहल जा और भोजपुरी के जाना माना चेहरा बढ़े। अगर उनका वोट सुनब कितना मिलल बा तो जान के आप लोग अचंभित रह जाए, जब शौक हो जाए जा कि उनके अचानक से वोट मिल गई है। जी हाँ, हम बात करें राकेश मिश्रा के तो राकेश मिश्रा के महज 1,326 वोट मिलल बा, 1,326 वोट मिलल बा। सोची भोजपुरी के सुपरस्टार पप्पू यादव के पार्टी विधानसभा के चुनाव और वोट कितना 1,326। मतलब ये भइल कि उ जौन बाड़े उ जमानत तक नहीं खा बचा पावल, सोची जमानत तक नहीं खा बचा पावल। और हमारा लगा था कितना खड़ा होना चाहिए उनका के ऐसा कोई चुनाव में, और अपन अंदाजा भी लग गए कि विधानसभा के चुनाव और विधायकी के चुनाव कितना संघर्ष भरा पूर्ण होला। तो ये जानकारी रहा सर, हमें लगे आपके सभी को बतावे चाहिए कि भोजपुरी भाई सुनते हैं जा, भोजपुरी जानते हैं जा, तो आप लोग जरूर इच्छा रखब जाए कि राकेश मिश्रा और भोजपुरी में और भी जो खड़ा रहना जा उनका का हाल बाटे। ठीक बा, तो जानकारी पसंद आए करके लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद कर लीजिए, सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं जा तो आप हमारा के फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जाइए पिंटू सिंह यादव सर जरूर जुड़ जाए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दो जगह आप फॉलो कर सकेंगे। आप सभी को धन्यवाद।